नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, रुक करते हैं इस न्यूज पर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में कुछ समय से काफी पावर कट्स की खबरें सामने आ रही हैं। आप कल्पना करिए कि अगर आपके घर में 10 से 12 घंटे बिजली ना रहे तो क्या हाल होगा, रोजमर्रा की जिंदगी जैसे रुक ही जाएगी। कई राज्यों में ये पावर कट्स कुछ वक्त से रूटीन हो गए हैं और खामियाजा भुगत रहे हैं आम लोग। आपको बता दें, एक रिपोर्ट में सामने आया कि कोयले की कमी भारत को परेशान कर रही है और इस कदर कि कोयले से बिजली बनाने वाले 135 पावर प्लांट्स में से 16 के पास कोयले का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो गया है। और तो और, ये भी कहा गया कि करीब आधे यानी 72 पावर प्लांट्स के पास 3 दिन से कम का कोयले का स्टॉक बचा है, बाकी पावर प्लांट्स के पास 1 हफ्ते से भी कम कोयले का स्टॉक है। ये सारे दावे न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में किए हैं और हवाला दिया गवर्नमेंट डेटा का, जिसे उनकी टीम ने एनालाइज किया। रॉयटर्स ने कहा कि उन्होंने पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन से हासिल किए डेली लोड डिस्पैच डेटा को एनालाइज किया और ये पाया कि अक्टूबर के पहले 7 दिनों में भारत की बिजली आपूर्ति की कमी पूरे साल में देश की कुल कमी का 11.2% थी। रॉयटर्स ने यह भी कहा कि अक्टूबर के पहले 7 दिनों में भारत की बिजली की कमी पिछले साल की समान अवधि में 21 गुना से अधिक और 2019 में 4 गुना से अधिक थी। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन के डेटा का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि झारखंड, बिहार और राजस्थान सबसे बुरी तरह प्रभावित थे, वर्स्ट अफेक्टेड थे। रिपोर्ट में कहा गया कि झारखंड में बिजली की कमी 18 से 24% दर्ज की गई, जबकि बिहार और राजस्थान को बिजली की आपूर्ति 6 से 17% कम थी। उत्तर प्रदेश के साथ साथ गुजरात, हरियाणा में भी इस सप्ताह औसत से अधिक कमी देखी गई। आपको बता दें, हाल ही में राजस्थान में गहराते हुए बिजली संकट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों से बिजली की बचत के लिए लोगों को जागरूक करने की बात कही। उन्होंने सरकारी विभागों में जरूरत नहीं होने पर बिजली के इक्विपमेंट को बंद रखने की बात कही है। कोयले की कमी को देखते हुए राज्य सरकार के अधिकारी छत्तीसगढ़ जाएंगे। वहां जाकर अधिकारी कोयले की उपलब्धता और राज्य में भेजे जाने को लेकर मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही केंद्र अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर पर्याप्त मात्रा में कोयला रैक की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे, ताकि थर्मल पावर प्लांट्स को सुचारू रूप से चलाया जा सके। AIMIM के चीफ असादुद्दीन ओवैसी ने भी पावर कट्स को लेकर सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा, हमारी 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल पर निर्भर है और ये सालों में अब तक का सबसे कम अवेलेबल स्टॉक है। वहीं उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने इस बात को माना कि अलग अलग कारणों की वजह से बिजली यूनिट्स में कोयले की आपूर्ति बाधित हुई है। उन्होंने कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए आपूर्ति जल्द ही सामान्य की जाएगी। मिनिस्टर ने बताया, जॉइंट सेक्रेटरी कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में बनाया गया सब ग्रुप सप्ताह में 2 बार कोल आपूर्ति की निगरानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और कोल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से आपूर्ति सामान्य करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और अन्य स्रोतों से बिजली खरीदी भी जा रही है। भारत सरकार में ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि बिजली की बढ़ती हुई डिमांड अच्छी बात है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। सिंह ने यह भी दावा किया कि हर तरह की बिजली की डिमांड को पूरा करने की स्थिति में है भारत। तो डिमांड जो बढ़ी हुई अच्छी बात है, इसलिए कि यह इंडिकेट करता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और दूसरा कारण डिमांड बढ़ने का यह भी है कि सौभाग्य के अंतर्गत हम लोगों ने 2,82,00,000 घरों को कनेक्ट किया, तो ये सब अब पंखे खरीद रहे हैं, कूलर खरीद रहे हैं, टेलीविजन सेट्स खरीद रहे हैं, तो डिमांड बढ़ेगी, ये अच्छी बात है। सर, चाइना में क्राइसिस है कोयले को, अब यहाँ की जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, इस तरह का कोई नहीं, जो भी डिमांड होगा वो हम लोग मीट करेंगे उसकी स्थिति में। यकीनन चीन जैसा बिजली संकट कोई नहीं देखना चाहेगा।